हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जिस ब्लॉगर को देखो वो भी या ब्लॉग नहीं भी करते, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से उनकी ऐड कराई जा रही है, उस ऑयल को प्रमोट कराया जा रहा है, तो ऐसे में देख के मन हो ही जाता है ना। और पता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम आई थिंक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं ये कहूँगी 10 में से 8 लोग आई थिंक फेस करते ही करते हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल में किसी ना किसी एज में वो करते हैं इस चीज़ को फेस। तो मतलब हेयर प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, तो ऐसे में जब कोई ऑयल इतना ट्रेंड कर रहा है तो सबका मन करता है लेने का। तो मेरा भी ऐसे ही मन किया कि मैं भी लूँ। मुझे कोई हेयर फॉल की ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था, बट जैसे उसके और भी बेनिफिट्स हैं कि न्यू हेयर ग्रोथ, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, कुछ एरियाज़ मेरे ऐसे हैं जहाँ पर मुझे इन्फेक्शन हुआ था, जहाँ पर मुझे बालों की ग्रोथ नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। वैसे कहीं ना कहीं मैं इसको लेके यूज्ड टू हो चुकी हूँ, कहीं ना कहीं मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वहाँ हेयर ग्रोथ नहीं होगी। बट ये है कि कोई ऑयल जब इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रहा है, सब लोग इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो यूज़ करने में क्या जाता है। तो मैंने भी उसको परचेज़ किया, प्लस वो आपका हेयर फॉल को कम करने की भी उसमें ये था कि कम कर देता है। और इसको अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 महीने यूज़ करने के लिए बताया गया है कि, और जो आपका हेयर फॉल है वो तो आपको 10 से 15 दिन में ही कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, इस तरह के क्लेम किए गए हैं। और 3 महीने आपको वेट करना होगा न्यू हेयर ग्रोथ रीजनरेशन के लिए। तो आपके सामने है ये आदिवासी नीलाम्बरी, ये इस तरह से था, आदिवासी नीलाम्बरी हेयर ऑयल। और ये आपको पता है ये दूसरी बॉटल है, मतलब मैं तो रेगुलर यूज़ कर ही रही हूँ, बीच बीच में मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे भाई ये ऑयल रखा है तो लगा लिया। ये दूसरी बॉटल है हमारी, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूँगी, और इसके जो क्लेम्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव रहे उसके बारे में बताती हूँ, कि जिससे आपको पता चले और ये कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है या बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, लेकिन जो मैंने फ़ेस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो ऑयल है इसको हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये 1200 का एक बॉटल पड़ा है हमें, और इसमें जैसे कि कई दिखाया जाता है 108 जड़ी बूटियों से बना है, तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं नो डाउट। इसमें आंवला है, शिकाकाई, भृंगराज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो इस ऑयल की बॉटल कुछ इस टाइप से रिसीव हुई है हमें। और इस पे क्या है, जो इस पे मतलब इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसके क्या बेनिफिट्स है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी हर्ब्स इसमें मिली हुई हैं, और ये किस तरह से आपको फ़ायदा करती है, कैसे आपको यूज़ करना है, सब कुछ आपको इस बॉटल पर मिल जाएगा। वैसे जो पैकेजिंग है उसमें भी अलग से था मेंशन, ठीक है। और इस पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, साइट भी दी गई है अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो। एंड इस पे जो मेन हाईलाइट किया गया है वही जो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको बाल दोबारा से ग्रो करने हैं, गंजापन है, तो 3 से 6 महीने लगेंगे, और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपको 10 to 15 days में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और भी बेनिफिट्स हैं जिस तरह से इसमें दिख रहे हैं, और क्या क्वांटिटी लेनी है। और रही इसकी स्मेल की बात, स्मेल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि जो ऐसे हर्बल ऑयल होते हैं तो उनमें अधिकतर स्मेल ऐसी आती है कि नहीं सहन हो पाती, मतलब ये लगता है इरिटेटिंग सी लगती है, लेकिन नहीं, इसकी स्मेल ऐसी नहीं है, आप आराम से मतलब इसको लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अजीब सी स्मेल है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ ऑयल अंदर से इसमें कैसा है। और रही टेक्सचर की बात, तो वो ज़्यादा चिपचिपापन नहीं है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। ये ऑयल कितने का परचेज किया था? 1500 1500 1200 का था? 1500 1500। और कौन सी साइट से लिया था? इस वो नीलगिरी कुछ करके मंगवाया था जिम लड़के थे, इस पे लिखा है नहीं, ऐसे अमेजोन वगैरह से नहीं मंगवाया था? नहीं, इनके उस पर डुप्लीकेट भी चल रहे हैं इनके अपने, ये अच्छा नीलाम्बरी अच्छा जो इस पे साइट है नीलाम्बरी, उस पे से ऑर्डर करके मंगाए थे स्पेशली, कि इस पे जैसे है। आजकल फेक भी चल रहे हैं तो फेक ना आए, हमारे पास ओरिजिनल माल आए। तो अब देखो हमें नहीं पता है कैसा क्या है, बट हमने तो पेमेंट करके इसके ओरिजिनल साइट से मंगाया है, और इसके क्या बेनिफिट्स मिले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 1.5 महीने में हेयर फॉल की अगर बात करें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो जैसा पहले था वैसा ही अब है। और
हेयर रीजनरेट होंगे उसका तो देखो 3 महीने का टाइम था। अभी ये ऑयल है, अभी हम यूज़ कर ही रहे हैं तो 3 महीने नहीं हुए, तो मैं हेयर रीग्रोथ के लिए तो मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगी, बट कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा कि 3 महीने नहीं हुए तो मैं नहीं कहूँगी इसके बारे में। लेकिन यस, हेयर फॉल का इसका क्लेम था 10 से 15 दिन में रोक देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना थोड़ा बहुत पहले था वो वैसा ही हो रहा है। मतलब मुझे कहूँ तो पर्सनली जैसे और ऑयल होते हैं ना वैसा ही लग रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। जैसे कि आप इसको बहुत अच्छा अमाउंट दे के आप परचेज़ करते हैं, फिर से कहूँगी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही किसी को भी नहीं होता ये वो, सबके हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हों। प्लस क्या है, मेरा तो यही मानना है कि डाइट आप अच्छी लोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी कंपेरेटिवली टू कि आप इन चीज़ों पे खर्च करो। ठीक है, तो बस यही था मेरा रिव्यू आदिवासी हेयर ऑयल की। अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। ज़्यादा क्या, मुझे इफेक्टिव ही नहीं लगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा। और बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आपका मन है एक बार यूज़ करने का, क्योंकि सबका मन करता है कौन सी चीज़ कहाँ किस पे सूट हो जाए, ये हम भी नहीं कह सकते। बट मुझे ऐसा कुछ बेनिफिट इसके नहीं लगे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और किसी चीज़ का रिव्यू आप चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें हम डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप अपने तरफ से टॉपिक शेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। जिससे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं थोड़ा सा एक्टिव होंगी, पता नहीं कितना एक्टिव होंगी, बट यस, मैं कोशिश करूँगी जो एटलीस्ट आप जिस चीज़ की डिमांड करते हैं टॉपिक्स की, उन चीज़ों को मैं मतलब लेके आऊँ चैनल पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।